नमस्कार, न्यूज़ आज में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रसन्न शाहणे। आने वाले 3 सालों में सरकार भवन विहीन स्कूलों के लिए नई इमारत बनाने की तैयारी में है। अब प्रदेश का ऐसा कोई स्कूल भवन नहीं होगा जिसके पास अपना स्कूल का भवन ना हो। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 1,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी है। स्कूल की इमारत बनाने के लिए आने वाले 2 सालों में इतनी ही राशि और दी जाएगी। ये घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुरैना में की। सरकार ने शिक्षा विभाग को बड़ी सौगात दी है जिसके तहत भवन विहीन स्कूलों की इमारतें बनाने के लिए 3 साल तक 1,000 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। ये घोषणा की है शिवराज सूबे के शिक्षा मंत्री विजय शाह ने, जो प्रवास पर मुरैना पहुंचे थे। इसके अलावा मंत्री विजय शाह ने फिल्म पद्मावती पर लगाए गए बैन को सही ठहराते हुए कहा कि फिल्म से सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। खुद का फर्जी वीडियो वायरल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है और उनके खिलाफ मानहानि का केस भी किया जाएगा। सीमित संसाधनों के बावजूद पहली बार अभी हमने 1,000 करोड़ रुपया केवल बिल्डिंग के लिए शिक्षा विभाग ने लिया है और बहुत जल्दी उसकी एजेंसी तय हो जाएगी और 3 साल में मुझे लगता है कि लगभग 2,000 करोड़ रुपया हमें मिलेगा और 2-3 साल के बाद कहीं भी ऐसी भवन विहीन शालाएं नहीं। कुछ सामान के भी है, कुछ प्रेस के भी है, राजनीति क्षेत्र के भी है। 15-16 लोगों ने कोई फर्जी वीडियो मेरे नाम से डाउनलोड किया था। मुरैना से गजेंद्र सिंह तोमर, न्यूज आज। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।